सीबीआई जैसी स्वच्छ एजेंसी पर और माननीय उच्च न्यायालय पर कि दूध और पीने का पानी होगा, मेरे प्रति निर्दोष है और निर्दोष साबित होंगे। लेकिन कुछ लोग हमेशा हाय तोबा करते थे, क्या मैडम आप रिजिग्नेशन देंगी, क्या मैडम आप रिजिग्नेशन देंगी, और एक सीडीआर लाए, क्या कहे कि सीबीआई से हमें मिला है। हमें तो ये नहीं लगता है कि सीबीआई जैसी स्वच्छ एजेंसी इस तरह से अपने जो उनका एविडेंस है उसको यूज कर रही है, हमें ऐसा नहीं लगता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ मीडिया के लोग पता नहीं कहाँ से ये लाए कि सीडीआर से चंद्रशेखर वर्मा की बात होती है, इसीलिए वह दोषी है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं राजनीति जीवन में हूँ, सामाजिक जीवन में हूँ और मंत्री हूँ, और हमारे पति एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते और सामाजिक जीवन में होने के नाते हर किसी का फोन रिसीव करने का मेरा दायित्व बनता है, और हर कोई चाहे वह कैसा भी लोग हो हम लोगों से फोन करते हैं, उनका समस्या सुनना हमारी जवाबदेही होती है, और बात अगर कभी नहीं हो पाई तो रिकॉल करना भी हमारी जवाबदेही होती है। और इसके आधार पर आप लोग कल शाम से हाय तोबा कर रहे थे कि सीडीआर में चंद्रशेखर वर्मा को उससे बात किया, चंद्रशेखर वर्मा ब्रजेश ठाकुर से बात करते थे ऐसा आया। मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय न्यायालय से बहार करती हूँ, बस सीडीआर में दिया जाए और ये बताया जाए उस व्यक्ति से ब्रजेश ठाकुर से सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर वर्मा की बात होती थी या कोई और लोगों की बात होती थी। हमें तो लग रहा है कि कोई रसूखदार जो वहाँ जाते थे उसको बचाने के लिए प्रतिपक्ष के नेता हमें टारगेट किया।